रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। में ककड़ी का सेवन देता है ठंडक और शीतलता। जी हाँ, चलिए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। ककड़ी हमारे जीवन में, हमारे खान पान में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो हम अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। तो इससे जुड़ी, आज सेहत से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, तो ककड़ी की बात कर रहे हैं। ककड़ी गर्मी में देता है बहुत ही विशेष लाभ। चलिए जान लेते हैं क्या है ककड़ी के फायदे। सो ककड़ी हमारे खान पान में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये हमें भीतर से ठंडा रखती है। जी हाँ, और आपको बता दें कि ककड़ी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, आयरन और पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। और इन पोषक तत्वों से हम अपने शरीर को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ ककड़ी जो है वो पानी का तत्व होती है, उसमें पानी होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूर्ण करती है, शरीर को ठंडा रखती है और हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल में रखती है। तो गर्मी के मौसम में अगर हम किसी पाचन तंत्र की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें ककड़ी को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, हमारा पाचन तंत्र भी उससे ठीक होता है। इससे कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं और शरीर को ठंडक मिलती है और मन को भी ठंडक मिलती है। सो ककड़ी के इतने बेहतर गुण आपको आज हमने बताए हैं, साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है और जिनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहती है उन्हें भी ककड़ी ज़रूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। सो ककड़ी से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट देकर बताएं कि कैसी लगी आपको ये हेल्थ रिलेटेड टिप। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।